तो पैदा होगा, लेकिन आपको हमारा यज्ञ करवाना होगा, उस बेटे की बलि देनी होगी। जवाब दिया, हाँ हम सब चीज को तैयार हैं, मेरे घर में बेटा पैदा हो जाए भले ही वो जन्म लेते खत्म क्यों ना हो जाए। जवाब दिया, ठीक है जाओ, तुम्हारे घर में ऐसा बेटा पैदा होगा, लेकिन ध्यान रखना हरिचंद, ऐसा ना हो कि तुम कहीं मोह माया में पड़ जाओ, बात भूल जाओ। जवाब दिया, नहीं, आज तारा मैया को लेकर के राजा हरिचंद उसी समय महलों में आ गया। जब महलों में आ गए हैं, धीरे धीरे जब समय व्यतीत किया, आज 9 महीने के बाद में मैया तारा के गर्भ से बहुत ही सुंदर से बालक का जन्म हुआ। जैसे ही राजा हरिचंद ने देखा कि आंगन में घर में लला पैदा हुआ, ढोल मजीरा बजने लगी, संग की सगियां बधाइयां गाने लगी, नाच कूद करने लगी, और आज ऐसा ही नहीं, राजा हरिचंद ने आंगन में बधाइयां बजवाना शुरू की है कि अरे आंगन में बजी बधाई, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो महाराज